देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अभी अभी एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त राहुल यादव के विरुद्ध संपत्ति जब्ती करने की कार्यवाही की जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य थाना पिलवा पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त रामू यादव के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अभियुक्त रामू यादव पुत्र ओमपाल सिंह निवासी दरीकपुर थाना पिलवा जनपद एटा एक कुख्यात अभियस्त एवं अपराधी शराब माफिया है। अभियुक्त रामू यादव ने अपने साथियों के साथ अपने गिरोह के सदस्यों द्वारा असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों से भय व आतंक के बल पर कोई वैध स्रोत न होने पर भी वर्ष 2012 से आपराधिक कृत्यों व अवैध शराब के व्यापार से चल अचल संपत्ति के तौर पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कीमत करीब 1,00,000 रुपए, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत करीब 25,000 रुपए एवं कृषि हेतु जमीन कीमत करीब 2,12,800 रुपए खरीदी गई, जबकि रामू के पास उक्त चल अचल संपत्ति को क्रय किए जाने का अन्य कोई वैधानिक स्रोत नहीं है। अभियुक्त रामू आपराधिक कृत्यों व अवैध शराब की तस्करी करके भौतिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करते हुए जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध करता है, जिससे आम जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह है इसके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता। इसी आर्थिक लाभ से रामू ने उक्त महिंद्रा स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल व जमीन कीमत करीब 12,37,800 क्रय की है, जिसे धारा 14 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है।